बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर के MBBS प्रोग्राम्स के एडमिशन 2024 के रिलेटेड है। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर में MBBS प्रोग्राम्स के एडमिशन 2024 जो है बेसिकली 5 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज जो है अभी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो लास्ट ईयर का MBBS का क्लोजिंग मेरिट 74.0545% था। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो MBBS प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो बेसिकली 25,51,412 रुपीज़ है। सेकेंड ईयर की फीस 26,92,360 रुपीज़ है। थर्ड ईयर की फीस 29,50,835 रुपीज़ है। फोर्थ ईयर की फीस 32,09,310 रुपीज़ है। फिफ्थ ईयर की फीस 34,67,785 रुपीज़ है। टोटल MBBS 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल MBBS 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम की जो फीस है वो बेसिकली 1,48,71,702 रुपीज़ है। अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो पंजाब के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का अप्लाई जो है बेसिकली UHS के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम के थ्रू अप्लाई होगा। एडमिशन स्केजुअल की बात करें तो तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में MBBS प्रोग्राम्स के एडमिशन जो है 5 नवंबर 2024 से स्टार्ट होंगे। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 नवंबर 2024 है। प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस में BDS प्रोग्राम्स के एडमिशन जो है 5 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होंगे और एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 दिसंबर 2024 है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के MD कैट टेस्ट में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए इनकेस आपने MBBS प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। इनकेस आपने BDS प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो कैंडिडेट के मिनिमम MD कैट टेस्ट में 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो MD कैट टेस्ट की 50% वेटेज होगी, FSC के मार्क्स की आपकी 40% वेटेज होगी और मैट्रिक के मार्क्स की आपकी 10% वेटेज होगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर जो आपकी वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और FSC का रिजल्ट कार्ड आपका बोर्ड से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फॉर कंप्लीट अप्लाई प्रोसेस काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।